तो GNS3 डाउनलोड करने के लिए GNS3.com पे जाना है, और जब GNS3 हम यूज़ करते हैं स्पेशली विंडोज़ पे, तो हमें एक VM की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं वर्चुअल बॉक्स, एक इसका है, और इस साइट पे जाना है virtualbox.org। तो फिर मैं GNS3 पे गया, और यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। अगर अकाउंट नहीं होगा तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार लॉग इन हो जाने के बाद फिर आपको फ्री डाउनलोड और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। मीनवाइल ये वर्चुअल बॉक्स अभी 7 चल रहा है। अच्छा, पहले मैं GNS3 डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये विंडोज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा विंडोज़ 11 है। मैं डाउनलोड पे क्लिक करा और ये डाउनलोड लोकेशन सेंड किया मैंने सेलेक्ट, फिर ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। फिर वर्चुअल बॉक्स, यहाँ पे एक डाउनलोड, फिर विंडोज़ होस्ट के लिए मुझे चाहिए, तो ये भी मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, ये भी डाउनलोड हो रहा है वर्चुअल बॉक्स। ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है मेरा विंडोज़, तो इसमें अनवेरीफाइड फाइल को दोबारा वेरीफाई करना पड़ता है जस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये तो क्या हो गया कि GNS3 जो सॉफ्टवेयर है, तो वो जो GNS3 है तो उसको रन करने के लिए ये GNS3 ने एक वर्चुअल VM, इनबिल्ट VM इन लोगों ने बना रखा है, ताकि हमें कुछ भी एक्सटर्नली सेटअप ना करना पड़े, जस्ट हमें उस मशीन को इंपोर्ट करना है और वो हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि GNS3 VM भी करना है। अब इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वर्चुअल बॉक्स है, VMware वर्क स्टेशंस हैं, ESXi, हाइपर वी, ये जो दोनों हैं जनरली हार्डवेयर पे यूज़ करते हैं, इसके भी इसको भी एज ए वर्चुअल यूज़ कर सकते हैं, बट ये स्पेशली उस मशीन के लिए हम यूज़ करते हैं जो डायरेक्ट हमारा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। तो हम लोग ये इंस्टॉल करेंगे या फिर VMware वर्क स्टेशन भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैंने ये प्रेफर किया था, तो इसलिए मुझे ये मशीन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसको भी मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है वर्चुअल बॉक्स, 23 सेकेंड, एक को मैं पॉज कर देता हूँ। और ये GNS3 वर्चुअल बॉक्स, ये भी डाउनलोड फोल्डर में जा रहा है। ठीक है, एक बार 45 सेकेंड, ठीक है, मैं वीडियो रिज्यूम करता हूँ, एक बार ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है तो। ठीक है, GNS3 इंस्टॉल हो गया है, तो बाकी सॉरी डाउनलोड हो गया है, तो पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिंपल सा है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे कि ऑप्शन दे रखा है कि सिलेक्ट करने के लिए, तो ये इंस्टॉल करेगा, तो बेटर है कि अभी हमें नहीं करना है क्योंकि एक्सटर्नली हम उसको डाउनलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट फाइल्स एंड देन नेक्स्ट, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करता हूँ एक बार इंस्टॉल होने के बाद। अच्छा नहीं, उस अभी नहीं करूँगा। इसमें जब आप इंस्टॉल करोगे तो इसमें बैकग्राउंड में एक दो और एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल्स होंगे। तो इसमें एक है वायर शार्क, तो वायर शार्क क्या करता है, पैकेट कैप्चरिंग के लिए यूज होता है, जो कि इस सीरीज में ओवर द टाइम, जैसे जैसे मैं ये करूँगा, अभी इंस्टॉल करूँगा, फिर टोपोलॉजी बनाऊँगा, फिर उसको भी अगर ज़रूरत पड़ी तो दिखाऊँगा कि कैसे यूज़ करते हैं। तो ये एक NP कैप है, तो इसको अभी ये क्या होगा कि ये पॉज हो गया, तो जब तक अब ये इंस्टॉल नहीं होगा वो नहीं बढ़ेगा। इसको भी मैंने इंस्टॉल किया, NP कैप एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटर ओनली, ये बाय डिफॉल्ट जो है उसको कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी तो है नहीं। मीनवाइल मैं ये देख लूँ कि बाकी और कौन कौन सा डाउनलोड हो गया। वर्चुअल बॉक्स भी डाउनलोड हो गया है, और जो VM है वो अभी हो रहा है। ठीक है, ये NP कैप इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, इसको मैंने फिनिश करा। फिर अभी आपका ये क्या कर रहा है कि वायर शार्क, अब इसके लिए इसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बैकग्राउंड में ये इंटरनेट यूज़ करता है और फिर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा। तो एज ऑफ नाउ मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ।
तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें बीच में मुझे एक नोटिफिकेशन आया था लाइसेंस अग्रीमेंट के लिए, तो वो सोलार विंड्स के कुछ एप्लीकेशन से, तो वो अगर आपको ज़रूरत है तो उसको आप यस कर सकते हैं। अभी फिर मैंने तो अभी मुझे इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हाँ, और इसी एक सोलार विंड्स का जो ये जब कनेक्ट करते हैं ना, तो सोलार पट्टी एक यूज़ करता है वो बैकग्राउंड में, तो उसके लिए कंफर्मेशन आया था। अभी एक ऑप्शन इसमें ये आ रहा है जो सोलार विंड्स के लिए, जो अभी मैं बता रहा था, तो इसमें पूछ रहा, वुड यू लाइक टू गेट योर फ्री लाइसेंस ऑफ सोलार विंड स्टैंडर्ड टूल सेट। तो इसमें कुछ टूल्स देता है जो कि नेटवर्क मॉनिटरिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अगर आपको चाहिए तो यस करोगे तो फिर आपके एक लिंक देगा, इसके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एज ऑफ नाउ ज़रूरत नहीं है, बट लेटर ऑन आपको ज़रूरत पड़ सकती है। काफ़ी जैसे सोलार विंड से रिलेटेड इसके काफ़ी प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, तो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। और ये GNS3 को अभी मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, फिनिश करता हूँ। तो अपना GNS3 इंस्टॉल हो गया है। जो दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो है वर्चुअल बॉक्स, तो उसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। इसको भी सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ओरेकल VM नेक्स्ट। इसमें वार्निंग है, इसमें क्या होता है कि कुछ नेटवर्क अडाप्टर जो होते हैं एडिशनल ऐड होते हैं, तो उसी का वार्निंग है कि हो सकता है कि आपका इंटरनेट टेम्पररली डिसकनेक्ट हो जाए, तो यस करना है, नॉट एन इश्यू। फिर इसमें मेंशन है कि इंस्टॉलिंग द ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स पाइथन बाइंडिंग रिक्वायर द पाइथन कोर पैकेज एंड द Win32 बाइंडिंग्स टू बी इंस्टॉल्ड फर्स्ट। तो इसमें इंस्टॉल करेगा, ठीक है, पाइथन एंड कोर एंड Win32 API। इवन तो मेरे सिस्टम में है बट ये अपना इंस्टॉल करे शायद, या फिर पाथ फाइंड हो जाए, तो इसको भी यस करना है और फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये भी इंस्टॉल हो गया, और फिर इसको भी स्टार्ट अभी नहीं करेंगे, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। नेक्स्ट है, ओके, मेरा फाइल ये VM बॉक्स पॉज हो गया है, मे बी कुछ इशूज हो। ये VM बॉक्स इंस्टॉल होने के बाद मैं दोबारा से वीडियो पॉज स्टार्ट करता हूँ। GNS3 का ये जो VM है वर्चुअल बॉक्स, ये भी डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे कुछ एरर आ गया था तो मुझे दोबारा से डाउनलोड करना पड़ा, तो ये एक zip फाइल डाउनलोड होगा, तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ऑन द सेम फोल्डर। तो ये एक VM है जो प्री बिल्ट मशीन है, अब इसको इंपोर्ट करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो ये जो कंप्रेस्ड फाइल जो अभी मैंने डाउनलोड किया, ये डाउनलोड किया, इसको अनजिप करा, तो ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ और इसके अंदर एक ये फाइल है .ova। ठीक है, तो इसका मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ, और ये एक ऑलरेडी इसमें VM दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले से बना रखा हो, तो इसको डिलीट ऑल फाइल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ओरेकल VM इंस्टॉल हो गया। इसमें अभी मुझे क्या करना है, प्लस यानी ऐड पे क्लिक करना है, और इसको डॉट एक ova फाइल हमें, ओके, .vt है, यहाँ से नहीं करके इंपोर्ट, हाँ इंपोर्ट पे क्लिक करना है, इंपोर्ट पे। तो इसको मैं ब्राउज़ करता हूँ, और जहाँ पे मेरा फाइल है, मैंने पाथ कॉपी कर लिया था, तो .ova फाइल यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसको ova फाइल ही एक्सपेक्टेड है। इसको मैंने डबल क्लिक करा, नेक्स्ट। अभी इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जैसे CPU RAM, तो बाय डिफ़ॉल्ट इतना आपको इस VM को रन करने के लिए प्रॉपरली ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके सिस्टम में 4 GB RAM है तो चल जाएगा, बट अगर 8 GB है तो बेटर रहेगा। ठीक है, फिर मैंने इसको फिनिश कर दिया, तो ये अभी यहाँ पे दिखने लगेगा इंपोर्टिंग अप्लायंस। तो ये जो मशीन मैंने
डाउनलोड करा था, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। एक बार इंपोर्ट कंप्लीट होने के बाद मैं वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो ये मशीन इंपोर्ट हो गया है। तो अभी कुछ जैसे यहाँ पे जो सेटिंग है, रैम है, तो इसको मैं सेटिंग पे क्लिक करा। मैंने यहाँ पे जनरल में जो नेम है, ये इनबिल्ट जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है वो हम रख सकते हैं। अभी यहाँ पे सेटिंग पे मैंने क्लिक करा, और उसके बाद यहाँ पे बेस मेमोरी 2 GB है। मैं इसको 4 GB तक दे सकता हूँ। मेरे सिस्टम में 8 GB है, 4096, 4 GB दे दिया। प्रोसेसर ये जो ग्रीन दिख रहा है, यहाँ तक हम दे सकते हैं, हमारे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे टोटल मेरे पास 8 CPUs हैं जो मेरे सिस्टम में, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक चाहिए। मैं इसको 4 दे सकता हूँ, 3 दे देता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ। एक यहाँ पे और जो दिखेगा आपको, यहाँ पे एक दिख रहा है इनवैलिड सेटिंग। तो ये क्या है, करंटली असाइन लेस देन 9 MB ऑफ वीडियो मेमोरी विच इज़ द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्विच टू फुल स्क्रीन। अच्छा, डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ एरर है। द वर्चुअल मशीन इज करंटली असाइंड लेस देन 9 MB ऑफ वीडियो मेमोरी विच इज़ द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड। ओके, तो इसको क्या है कि 9 MB जो है यहाँ का वीडियो मेमोरी है, इसको 9 MB चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, उसको मैं 9 MB कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ, फिर सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग वो एरर गायब हो जाना चाहिए। ओके, अभी क्या आ रहा है, वर्चुअल मशीन इज़ कॉन्फ़िगर्ड टू यूज़ अ ग्राफिक्स कंट्रोलर अदर देन रिकमेंडेड वन, कंसीडर स्विचिंग ऑनलेस यू हैव रीजन टू क्विट। ये कुछ मेजर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये हो गया सेटिंग। अब मैं इस मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैंने GNS3 ओपन नहीं करा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी बस हम VM जो इंपोर्ट करा उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा। प्रिपेयरिंग VM अप। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे एक एरर दिख रहा है, और वो एरर ये है कि फेल्ड टू ओपन क्रिएट द इंटरनल नेटवर्क होस्ट इंटरफेस। तो इसको मैंने गूगल करा, तो यहाँ पे मुझे एक जो सॉल्यूशन मिला। ठीक है, तो इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं गया, और सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मेरा VM है किस ईथरनेट अडाप्टर से कनेक्टेड है। तो ये ईथरनेट अडाप्टर यहाँ पे 2 है। जब हमने इंस्टॉल करा था वर्चुअल बॉक्स, तो ये एरर एक्चुअली मैं चाहता था कि आपको भी बताऊँ, क्योंकि कई बार ऐसे एरर्स आते हैं जिसमें काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है उसको रिजॉल्व करने में। तो यहाँ पे 2 अडाप्टर है। तो अभी जो मेरा कनेक्टेड है, ये नेम जो बाय डिफ़ॉल्ट अडाप्टर है, अडाप्टर 1 से कनेक्टेड है। तो अभी मैं गया और यहाँ पे सेटिंग में, तो यहाँ पे देखोगे इथरनेट अडाप्टर, और यहाँ पे ये इथरनेट अडाप्टर 2 है। तो इसको मैंने डबल क्लिक करा, प्रॉपर्टीज़ में गया, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ये NDIS6 ब्रिज नेटवर्किंग ड्राइवर, इसको मैंने ओके करा, क्लोज करा, और एक बार इसको डिसेबल एंड देन अगेन इनेबल करता हूँ। ओके, और दोबारा से इस मशीन को मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसका प्रोग्रेस दिख रहा है, एज ऑफ नाउ इट्स 0%। ठीक है, मशीन स्टार्ट हो गया, यानी कि वो जो एरर था उससे वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, और होपफुली मशीन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसमें वैसे ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। ओके, ऑन ही रखता हूँ, थोड़ा आपको भी दिखेगा कि जो जो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, लास्ट लॉगिन, मशीन सक्सेसफुली ऑन हो गया है। यहाँ पे एक और जस्ट आ जाएगा विद सम ऑप्शंस, दैट मीन्स कि अपना मशीन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया, यानी कि अपना मशीन सही से इंस्टॉल हो गया है।
एज ऑफ नाउ मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो अपना काम ये हो गया कि GNS3 प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया, ठीक है, और ये इंपोर्ट भी हो गया। अब GNS3 को मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जब GNS3 हम स्टार्ट करते हैं तो वो इंटरनली ये जो VM हमने बनाया है एक बार उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम GNS3 स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये जो VM है, VM बॉक्स के अंदर का जो मशीन है ये स्टार्ट वो GNS3 कर देगा। तो मैंने GNS3 पे क्लिक कर दिया है, होपफुली ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे अभी ऑप्शंस आ गए, फर्स्ट टाइम मैंने GNS3 अभी स्टार्ट करा मैंने, तो रन अप्लायंसेज इन वर्चुअल मशीन्स, तो और रन अप्लायंसेज ऑन माई लोकल कंप्यूटर। तो ये लोकल कंप्यूटर पे हमें नहीं रन करना है क्योंकि कुछ ऐसे हमारे पास इमेजेस हैं राउटर्स के जैसे, तो वो रन करने के लिए रिकमेंडेड रहेगा कि आप वर्चुअल मशीन में ही रन कराओ। यानी कि GNS3 पे हम वो करेंगे, बट इनफैक्ट वो जो है जो इमेजेस रहेगा वो रन कहाँ पे करेगा, वर्चुअल मशीन्स पर। वर्चुअल मशीन कौन सा, जो वर्चुअल बॉक्स में अभी हमने इंस्टॉल करा है। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट करा, ये बाय डिफॉल्ट आपको सेम रखना है, कनेक्शन टू द GNS3 सर्वर हैज़ बीन सक्सेसफुल। ये लोकल यानी कि मेरा जो लैपटॉप है उसका एक सर्वर आ गया, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे एक और एरर है, VMware फॉर द VIX API रिक्वायर्ड फॉर द VM फ्लेवर इज प्रोबेबली नॉट इंस्टॉल। ओके, VMware की तो यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, VM ओके। यहाँ पे क्या है कि GNS3 VM में ये GNS ये सेलेक्टेड है, VMware रिकमेंडेड में भी कि शायद प्रीवियस ऑप्शन में मैंने VMware सेलेक्ट कर लिया हो, लेकिन मैंने क्या इंस्टॉल किया, वर्चुअल बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स सेलेक्ट किया। अब ये क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया क्या GNS3, और उसके बाद डिटेक्ट नहीं किया, मेरे ख्याल से प्रीरिक्विजिट है। तो यहाँ पे क्या दिया है, मैंने 3 दिया है, और ओके वहाँ पे मैंने चेंज किया था लेकिन शट डाउन करके ऑन किया, मैंने दोबारा से डिफ़ॉल्ट हो गया हो, बट जो भी हो उस मशीन का यहाँ से कंट्रोल होगा। तो यानी कि यहाँ पे जितना देंगे तो वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने 3 वर्चुअल CPU दिया, और उसके बाद रैम साइज़ मैंने 4 GB दे दिया। फिर मैंने नेक्स्ट करा, फिनिश। तो यहाँ पे आपको सर्वर का स्टेटस दिखेगा। तो जैसे मैंने किया, देखो अभी आप नीचे यहाँ पे ओपन नहीं है मेरा, तो वर्चुअल बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा यहाँ पे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और एक बार ऑन होने के बाद फिर वो मशीन भी स्टार्ट हो जाएगा। मशीन स्टार्ट होने के बाद फिर यहाँ पे उसका सर्वर का स्टेटस दिखेगा। देखो अभी आप VM ये स्टार्ट हो गया है, ये मशीन वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे। अभी देखो अभी मैं GNS3 ओके यहाँ पे इसको मैं मूव नहीं कर सकता, बट बैकग्राउंड में अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे ये मशीन स्टार्ट हो रहा है। एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जो स्टेटस है आपका सर्वर समरी का वो यहाँ पे दिखने लगेगा। जो नीचे वाला है ये मेरा दिखा रहा है कि लैपटॉप का CPU का परसेंटेज कितना यूज़ हो रहा है, रैम कितना यूज़ हो रहा है, मेरे लोकल जो होस्ट मशीन है इसका। ठीक है, ऑलमोस्ट डन होने वाला है, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ख़ास करके कुछ ऐसे एरर्स भी आ जाते हैं तो उसको फिर रिजॉल्व करने में कभी कभी टाइम लग सकता है। तो इन केस जो भी एरर इजीली गूगल से आप कर सकते हो। तो अभी आप देखोगे सर्वर ऑन हो गया प्रॉपरली, यहाँ पे ग्रीन भी आ गया, यानी कि दोनों ग्रीन आ गया, यानी कि सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है। अब मैंने इसको फिनिश करा, अब आप यहाँ पे ये चल रहा है, जो भी आपका टोपोलॉजी है वो क्रिएट कर सकते हो। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं अगर जाऊँ तो राउटर इमेज मुझे नहीं दिख रहा, स्विचेज इमेज बाय डिफ़ॉल्ट ये जो दिख रहा है, जैसे L2 और L3 इमेज हमें लाने, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।